कुछ फिल्में पैसे, रिसोर्सेस और प्रमोशन के अभाव में बनने के बाद भी क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है, क्योंकि ऐसी फिल्में दिल से बनाई जाती हैं। ...1985 में बॉलीवुड में एक से एक सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थी, जैसे कि एतबार, गिरफ्तार, गुलामी, अर्जुन, मैसी साहब, मेरी जंग, प्यार झुकता नहीं, सागर, तेरी मेहरबानियां और राम तेरी गंगा मैली। ये सारी फिल्में सुपरहिट रही थी। ये सारी फिल्में या तो लव स्टोरी थी या फिर एक्शन फिल्में थी, मैसी साहब को छोड़ के। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स आ चुके थे, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत कम काम किए हुए डायरेक्टर ने एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और ये डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। इसे रिस्क ही कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स की रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के बीच अगर कोई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाता है, वो भी बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के, तो वो किसी रिस्क से कम नहीं था। फिल्म में स्टार्स तो नहीं थे, लेकिन एक्टर्स जरूर थे। इनमें से ज्यादातर एक्टर्स थिएटर से थे और अपने काम में पूरी तरह माहिर। फिल्म थी खामोश। इसे एक कल्ट फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में भी ये एक अलग तरह की फिल्म थी, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एकदम कमर्शियल फिल्मों से अलग था। लेकिन सस्पेंस इतना अच्छा कि आप एक सेकंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाएंगे। रीजन सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक एक एक्टर की डायलॉग डिलीवरी और उनकी रियल एक्टिंग भी थी। फिल्म में अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, पंकज कपूर, अजीत वच्छानी, पवन मल्होत्रा, सदाशिव अमरापुरकर और सुधीर मिश्रा जैसे काबिल एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में सिर्फ टेक्नीशियंस का नाम दिखाया जाता है, किसी भी एक्टर का नाम ओपनिंग क्रेडिट्स में नहीं दिखाया गया है। ब्लैक बैकग्राउंड पर दिखाया गया ये नंबरिंग आपको किसी पुराने दूरदर्शन के सीरियल जैसा लगेगा, विद अ वेरी लो बैकग्राउंड म्यूजिक। शायद ऐसी ही कुछ चीजें इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग करती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है टिपिकल रोमांटिक सीन से, जो कि नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि उस वक्त इस तरह के रोमांटिक डायलॉग्स फिल्मों में होना आम बात थी। लेकिन थोड़ी ही देर में जब बैकग्राउंड में कट की आवाज सुनाई देती है, तब पता चलता है कि ये फिल्म के अंदर ही एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म का नाम था आखिरी खून। एक्शन। खामोश फिल्म की कहानी ही यही थी कि 15-20 लोगों की एक यूनिट एक फिल्म को शूट करने के लिए पहलगाम आती है। उसके बाद फिल्म में एंट्री होती है एक से एक गुनी एक्टर्स की। हो सकता है कि उस वक्त ये लोग उतने पॉपुलर ना रहे हों, जैसे कि पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, पवन मल्होत्रा। मगर पापा जी, मैंने पैसे चाहिए थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही अव्वल दर्जे का है। फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करने का तरीका एकदम यूनिक था। फिल्म में कुछ अच्छे कैमरा एंगल्स दिखाए गए हैं, जो कि फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस कूट कूट के भरता है। अपना मुंह बंद कर लूंगी हमेशा के। फिल्म में जब सोनी राजदान का मर्डर होता है, उस वक्त वो अपने अगले दिन के शूट के लिए जो डायलॉग्स थे उनका रिहर्सल कर रही थी, और जब उसका मर्डर हो रहा होता है, उस वक्त जो वो डायलॉग्स बोलती है, वो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट में लिखे गए डायलॉग्स जो वो याद कर रही थी, दोनों काफी सिमिलर होते हैं। शायद फिल्म देखकर आपको बेहतर समझ में आए। फिल्म में कास्टिंग काउच को भी दर्शाया गया है। एक्चुअली में फिल्म यूनिट के टेक्निकल पार्ट्स के जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, सबकी एक अलग छवि फिल्म में दिखाई गई है। उनका पहनावा ओढ़ावा, बोलने का तरीका, उनकी सोच, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, सब पर बारीकी से काम किया गया है। शुक्ला जी, डायलॉग रेडी? अरे हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। जल्दी करो जी, जल्दी करो। पैसे के लिए भी कहते कमर्शियल कैसा रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसा कैरेक्टर इन लोगों का फिल्म में दिखाया गया है ऐसा हमेशा होता है, लेकिन ज्यादातर आपको इस तरह के लोग फिल्म यूनिट में मिल जाएंगे। राइटर का पान या गुटखा खाना, खुले बटन वाला कुर्ता पहनना, विलेन यूं तो दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वो सिगरेट और शराब से दूर रहता है। मैं 15 दिनों से आपके साथ हूँ और आपको मेरी धार्मिक भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, यहाँ तक कि प्याज को नहीं छूता। हाँ, रेप सीन में थोड़ा बहुत कभी कभी बहक जरूर जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती। प्रोड्यूसर जो कि ज्यादातर कंजूसी से चलता है, और प्रोड्यूसर का साला या जीजा जो कि अकाउंट्स या फिर प्रोडक्शन संभालता है। कि आज रात को एक शानदार पार्टी होगी एक कंजूस प्रोड्यूसर की तरफ से।
प्रोड्यूसर का कोई फैमिली मेंबर जिसे फिल्म बनाने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सेट पर अपना रॉब जमाता फिरता है, हीरोइंस पर लाइन मारता फिरता है। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? एक एक्ट्रेस के साथ उसकी माँ जो कि प्रोड्यूसर की मखनबाजी करती रहती हो। शकुंतला के रोल के लिए मीनू को फाइनल कर दीजिए ना दयाल साहब। अरे उसका तो फाइनल हो जाएगा लीला, पहले अपना सेमीफाइनल तो हो जाए। डीओपी यानी कि कैमरा वाला जो खुद को डायरेक्टर से भी ऊपर समझता हो। कैमरामैन से हमेशा दोस्ती बनाए रखो सोनी, तुम तो जानती हो कि एक ही लेंस लगाकर मैं चेहरा बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ। और स्टार्स जो कि ज्यादातर शांत और कूल स्वभाव के होते हैं, इन सारे टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के किरदार को काफी अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में हुए पहले मर्डर के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अजीत वच्छानी के डायलॉग्स बैकग्राउंड में चलने शुरू होते हैं। कैमरा वहां खड़े एक एक आदमी के फेस एक्सप्रेशंस लेता है और फाइनली वन टेक में वो कैमरा आके अजीत वच्छानी के फेस पर आके रुकता है और वहीं पर डायलॉग वो खत्म होता है। कल रात पार्टी में आपने देखा होगा किसी झपट पड़ी थी वो मुझ पर। ये ऐसे क्रिएटिव सीन्स होते हैं जिसमें सुनाई कुछ देता है, दिखाई कुछ देता है और आगे जाके ऑडियो और वीडियो एक जगह पे आके मिक्सअप हो जाते हैं, जो कि यकीनन फिल्म में थ्रिल भरने का काम करते हैं। इस तरह के काफी सीन्स इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे। आम सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में आपने देखा होगा कि अक्सर मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए किसी सीबीआई वाले को या किसी पुलिस वाले को या फिर किसी जासूस को हायर किया जाता है जो पूरी फिल्म के दौरान उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं था। देखा जाए तो फिल्म में ना कोई पर्टिकुलर हीरो है, ना कोई पर्टिकुलर विलन है, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और सबको बराबर मौका दिया गया है अपने अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का। देखा, मुझे पता था। हो गई सीआईडी की इंक्वायरी शुरू। फिल्म की कहानी आपको हमेशा एंगेज करके रखेगी, आपको शॉकिंग सीन्स बार बार देखने को मिलेंगे, लेकिन आम कॉमर्शियल फिल्मों की तरह इसे सिनेमेटिक वे में दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है सब, सोनी ने आत्महत्या नहीं किया, उसका खून हुआ। हमको पता है वो खून किसने किया। एक बहुत ही लो बजट में बनी ये फिल्म अपने वक्त के हिसाब से काफी आगे की फिल्म थी। अगर आप इस फिल्म की एडिटिंग देखें, लाइटिंग देखें, स्क्रीन प्ले देखें, कैमरा एंगल्स देखें, तो आप महसूस करेंगे कि ये उस वक्त के हिसाब से मैच नहीं करती थी। शायद यही वजह थी कि फिल्म के बनने के एक साल के बाद तक भी कोई भी इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को खुद रिलीज करने का फैसला किया और मुंबई के रीगल सिनेमा को उन्होंने रेंट पे लिया और वहां फिल्म को चलाया। उन्होंने खुद जाकर दीवारों पर इस फिल्म के पोस्टर चिपकाए और ये फिल्म कई सप्ताह चली थी। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के इस जज्बे को हमारा सलाम। इस फिल्म को देखने के बाद आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिल्म का बजट सिर्फ 8 लाख रुपए था। फिल्म में दिखाए गए टेक्निक्स इतने यूनिक हैं कि अगर आप फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्मों के टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये फिल्म आपको काफी कुछ सिखा जाएगी। फिल्म में एक शॉट है जो कि उस वक्त हॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत रेयरली यूज किया जाता था, बॉलीवुड में तो पिछले 10-15 सालों से ही यूज किया जाने लगा है। इस शॉट को कहा जाता है द डॉली जूम शॉट या फिर वर्टिकल इफेक्ट। इसे वर्टिकल इफेक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस कैमरा टेक्निक को सबसे पहली बार 1958 में रिलीज्ड महान डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म वर्टिगो में यूज किया गया था। इस शॉट को लेने के लिए आपको कैमरे में जूम इन या जूम आउट करने के साथ साथ कैमरे को आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ मूव करना होता है। हालांकि फिल्म खामोश में इसे पूरी तरह से यूज नहीं किया गया है, बहुत हल्का सा इफेक्ट देखा जा सकता है। इस तरह के टेक्निक्स उस वक्त बॉलीवुड में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, शायद इसलिए ये फिल्म उस वक्त के लोगों को समझ में नहीं आई थी। एग्रेशन और रिलैक्स्ड दोनों को एक ही सीन में दिखाने की कला शायद विधु विनोद चोपड़ा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये शॉट्स अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। भागते घोड़े जहां आपको एक तरफ एग्रेसिव फील कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ घोड़ों के उस पार बैठी सुषमा सेठ लिपस्टिक लगाती हुई काफी रिलैक्स्ड नजर आती हैं। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो एक्चुअली में वो एक थ्रिलर सीन चल रहा होता है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाता है।
फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं विनोद प्रधान, जो कि अपने आप में एक टैलेंट फैक्ट्री हैं। विधु विनोद चोपड़ा की ज्यादातर फिल्मों में कैमरा वर्क यही करते हैं। फिल्म के कई सीन्स में इनका बेहतरीन कैमरा वर्क देखा जा सकता है। कैसे कितने छोटे जगह में किन लेंसेस का यूज करके एक सीन को शूट किया जा सकता है, ये इस फिल्म में आप देख सकते हैं। फिल्म में कई क्रिएटिव सीन चेंज भी देखे जा सकते हैं। एक सीन से दूसरे सीन में किस तरह से जाया जाता है, ये फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि फिल्म को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। इस फिल्म का सस्पेंस बहुत यूनिक है, जिसे कि आप जल्दी गैस नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट उस वक्त के हिसाब से तो इसे गैस करना बहुत मुश्किल काम था। कई सीन्स में लगता है कि अब सस्पेंस खुल गया, लेकिन अचानक से कहानी एक और मोड़ ले लेती है। फिल्म की एडिटिंग एकदम अपर लेवल की है। कब किस सीन के साथ किस सीन को जोड़ा जाए, ये एडिटर बखूबी जानता था। तीसरी, चौथी, पांचवी। फिल्म में एक खास चीज थी, वो थी लाइटिंग। क्योंकि फिल्म के ज्यादातर पार्ट्स रात में शूट हुए हैं, तो लाइटिंग के मायने तो और भी बढ़ जाते हैं। फिल्म में कमाल की लाइटिंग दिखाई गई है। फिल्म में दिखाया गया डार्कनेस और फेस के वन साइड पर दिखाया गया लाइट फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो इस फिल्म के बारे में डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन शायद उससे फिल्म का सस्पेंस खुल जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। ये एक मास्टरपीस है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा जरूर। और अगर फिल्म की टेक्निक्स को आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिल्म को दो बार देखिए, तीन बार देखिए, पांच बार देखिए। मैं इस फिल्म को देता हूं, नहीं नहीं, कुछ फिल्में स्टार्स की मोहताज नहीं होती है। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. Milte hain agli baar fir kisi naye episode ke saath. Tab tak ke liye. Jab film mein Soni Rajdhan ka... Soni Rajdhan. To Alia Bhatt ki maa hai. Mention karo. फिल्म के लीड रोल्स में थे पप्पू, फिल्म के लीड रोल्स में थे शबाना आजमी, अमोल पालेकर, पवन मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं यार, अबे कैमरा चल ही रहा है क्या।